मकबूलपुरा विच चली गोली, मुद्दई ने लगाई एएसआई उपर कुटमार करन दे आरोप। मकबूलपुरा विच आपसी रंजस दे चलदियां कुछ नौजवान वल्लों घर दे बाहर गोलियां चलाउण दा मामला सामने आया है। उत्थे ही घर दे मालक वल्लों बयान देण दौरान थाणा मकबूलपुरा दे एएसआई उपर थाने अंदर कुटमार करन दे दोष भी लगाए गए हन। जानकारी दिंदिया कश्मीर सिंह पुत्र इंदर सिंह ने दस्या कि कश्मीर सिंह जी मकबूलपुरा गली नंबर छे रोड ते साढ़े जी मामला कोई नहीं है अपना ये पी लगतबाजी के नाल पिछली खैबाजी आदा करके साढ़े रस्ते नाल ही इन्हें साढ़े धमकी लाई आ एक काका वा एक हड्डी एक किशन एक जब्बू धमकी ला के चल गए वापस धमकी ला के वापस चल गए बाद च एक तो पंजी दस मिनट बाद गोली चला दी अं अंदर हाँ ये इन्हों ही मुंडिया ने जिन्हें धमकी लाई है पुरानी कोई चलती है हड्डी कोई भतीजे मेरे गोली चलाई हूँ परचा कराया ये बयान परचा आया वा कहना वो मदद करता जो सा परिवार वो मदद करनी अं मगर से जाना अपने परिवार से फिर अं कल देना वा कल अपने बयान लेकर लिखन डे अपना सुरिंदर सिंह सुरिंदर वो बड़े वधिया बयान लिखन डिया ये मुड़ मुड़ टोकी जाता मुड़ मुड़ टोकी जाता अपना हरदीप सिंह ठंडदार टोकी जाता फिर इना उठ के मेरे चपेड़ मारी आ मेरे खून कढ़िया मत्थे ते भी सट्टा लाइया बहुत मुक्कियां सिर च मारियां बहुत जड़िया उन्हें छड़ाया मैनू सर इना हरदीप ने हरदीप एसआई ने मारी आ ये तो कोई साढ़े बहुत ज़्यादा खतरा ये दूसरी पार्टी ना रलिया वा कल सानू ये रल के गोलियां चला सकता ये भी मार सकता सानू ये तो बोल पर मतवा दे ना रलिया सर जोड़ा मकबूलपुर इंचार्ज आ बहुत ईमानदार अफसर वा बहुत वधिया मेरे फोन से गल सुनी आ मुलाजम भेजे आ अही कार्रवाई होनी चाहिए थानेदार इन्होंने बंद कार्रवाई होनी चाहिए है जी ये मांग कर दिया जी। जसबीर कौर मकबूलपुर मेरे घर वाले ने पहले धमकियां ला के गए ही मुंडे आए ही चार जने पहले धमकियां ला के गए अं फिर दरखास्त देने आए हैं तो उन्होंने आन के फिर गोलियां चलाती कश्मीर सिंह बंदे हाँ जी एक किशन आ एक माइए का मुंडा आ एक सुक्की हड्डी कोई एक होर पता नहीं कि जग्गू जग्गू ना ओदा साडा मेरे जेठ का बेटा सी ओदे नाल किसी की लड़ाई हुई उन्होंने घर भी गोलियां चलाइया ये मदद कर दे उन्होंने इस करके उन्होंने साढ़े नाल भी किया भी तू मदद ना कर उन्होंने हाँ जी असं अपनी किसान इन्होंने कोई कारवाई नहीं की थाने दे विच कल इन्हां नूं इह किते बयान देण आए आ इन्हां नूं मुलाजम ने फड़ के ते चपेड़ा मारियां आ इन्हां दी गल नहीं मन्नी उन्होंने जिद्दां इह कहिंदे सी उद्दां नहीं उन्होंने लिखिया इन्हां नूं उल्टा मारिया उन्होंने सिर भी पाड़िया इन्हां दा हरदीप सिंह उहदा नाम असीं उन्हां नूं सज़ा दो जिन्हां ने इन्ने गलत कीता है सियाने ब्याणे हैगे बीमार रहिंदे आ जे कोई गलबात हो जांदी जिम्मेवार कौन सी। इस बारे SHO रंजीत सिंह ने कहा हाँ जी कश्मीर सिंह वालों एक तरीक रात को डेढ़ दो बजे के करीब कंप्लेंट आई थी भी कोई अणपछाते व्यक्तियों ने इन्होंने घर के अगे कोई गोलियां वगैरह चलाइया जो इस संबंध में असी ड्यूटी अफसर साडा SI हरदीप कौर मौके पर गया तो जिन्होंने वेरीफाई किया तो उत्थे अपना CCTV वगैरह देखे जितों दो व्यक्ति आए हैं तो इन्होंने इन्होंने घर के अगे गोलियां वगैरह चलाइया जो इस संबंध में असं जांच कर रहे हैं भी ये किन्ने चलाइया या की मकसद से उसका मैं पता लगा इस बारे भी इन्हों की कोई खैबाजी हुई है जो इस संबंधी भी सड़क आई है कमजोर असं उस संबंधी वेरीफाई कर रहे हैं।
हाँ जी उ मैं गल कर रहा इन्होंने दसिया भी आ गलबात हुई है साढ़े ना मार कटाई वगैरह ज कै बारी हुई है वो इस संबंधी भी मैं जांच कर रहा भी जो भी है सर जी गोली चलाई बंद ने एक्टिवा तो आए सी तो दो जने साफिल बैठे हुए से अपना हाँ जी उन्होंने आप वेरीफाई कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज देखिए वेरीफाई कर रहे हैं भी गोली किस वालों चलाई गई है तो क्यों वह मकसद से क्योंकि दो दिन पहला भी गोली चली हुई है तो हो सकता भी वो मकसद ये ना हो साडा उन्होंने उन्होंने परचा दर्ज होया उसको काउंटर करने वास्ते कि गोली वगैरह चलाई हो संबंधी अं प्रॉपर जाँच करके फिर ही असी कोई नैक्सट कार्रवाई करा मकबूलपुरा तो गुरप्रीत संधू की रिपोर्ट।